जय भीम, जय गुरुदेव, नम बुधाए। सांझियां विचारां विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। अज दे प्रोग्राम विच असी दोनों वीर, मतलब मैं धर्मचंद महे अते डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी, थोड़े रूबरू होवांगे। विचार खास मुद्दे ते करनी है, जिदा हर वारी जिहड़ा मुद्दा हुंदा है उहदा आम लोकां नाल बहुत वास्ता हुंदा है। कोशिश करी दी है कि जिहड़ी भी गल करिए वो कोई सार साथ वाली होवे, उस गल दा कोई आम लोकां नूं उहदे विच कुछ सिखण नूं मिले, वो साडियां गल्लां बातां विचों जां जिहड़े कॉल करदे उहनां दीआं गल्लां बातां विचों कोई अच्छे विचार सामने आउण, तां कि किसे ना किसे नूं सेध मिले। जिन्ने भी साडे प्रोग्राम हुंदे आ साडा इह मेन मकसद हुंदा। गल्लां बातां करदिआं करदिआं कई वारी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी वाली गल भी हो जाती है, लेकिन साडा दोनों वीरों का कभी भी यह मकसद नहीं हुंदा कि असी किसी के दिल नूं ठेस पहुँचाइए, लेकिन फिर भी गल तो करनी हुंदी है। जिहड़ी असी गल करदे हाँ दोनों जने वो साडी अपनी हुंदी है, जिहड़े कॉलर हुंदे आ उहनां दी अपनी गल हुंदी है। किसी भी गल दे विच कंशी टीवी दा उहनां जां उहनां दे स्टाफ दा कोई लेना देना नहीं हुंदा, इस करके गल हैगी सिर्फ एक दूए तो सीखण दी। ये नहीं कि असी बहुत सियाने हो गए, लेकिन असी कुछ गल्लां विचार के उन्हां विचों सियाणप कढ़न की कोशिश करते हैं, गल्लां दे विचों सियाणप कढ़न की कोशिश करते हैं। मसल साडे एक रवाज आ आम लोगों विच कि असी एक दूए नकल बहुत करते हैं। जे ये देखिया कि डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी ये मुर्गियां बेच के मशहूर होया तो मैं भेडा नहीं बेचनियाँ, मैं भी मुर्गियाँ बेचना पैना, तो यह जी होंदा की आ मैं कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि मेरा नैक्सट डोर नेबर वो काम कर रहा, तो उन्होंने नुकसान जो अं पता दें। हमने ये अब विशा यह है कि जी सा एक दो जैलसी के तौर पर जी कॉपी करनी नकल करनी किसी की भी वह कि फायदेमंद आ कि जायज़ आ कि नुकसान की वह फायदा। आओ पहला आप डॉक्टर साहब न जी कहते, डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। तो असी कुछ मिनट थोड़े रू लेट हो दो मिनट रूबरू, तो गुस्ताखी की माफ़ी देना। असी इदा विचार करनी है कोई कई जानी सिर्फ ये शॉप की गल नहीं जां फैक्ट्री की गल नहीं, बहुत सारे कामों के असी कॉपी करते हैं। असी कहने जो फलाने ने वह पेंट पाई है मैं भी उही पानी, कई चीज़ा जो कई परसनैलिटी होंगी उन्होंने जचदियाँ होनी, जरूरी नहीं कोई हर एक जचे हो। इस करके आप विचार करनी है कि सानू कॉपी कर गुरेज करना चाहिए कॉपी करनी जायज़ है, जानू कितने कॉपी करनी चाहिए है कितने नहीं करनी चाहिए, ये बारे विचार करनी है। डॉक्टर साहब थोड़े स्वागत तो बाद की विचार थोड़े ये बारे की मैं झूठ बोलिया? नहीं बिल्कुल झूठ बोलिया, एक्चुअली इन्होंने जरूर झूठ बोलिया, मैं कभी मुर्गियां बेचिया नहीं तो ना ही कभी मुर्गियां मैं खरीदिया है। वो तो चलो कल थानू गल समझा दी सी, साडा बड़ा थोड़े सत्कार है प्यारे स्रोते हो प्यारे दर्शको, तो जिस तरह मेरे वीर ने गल की असं हर 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 प्रोग्राम के बच्चे यहोजा कोई मुद्दा लैके आने जिहड़ा कि अपने लोगों के नाल कंसर्न होंदा है, अज भी उही मसला है। देखने बच्चे है जे व्यापार असी शुरू किया है कोई, जे किसी ने डबल ग्लेजिंग का काम किया है तो पहला जोड़े बंदे पहले डबल ग्लेजिंग का काम सीखते होंगे सके उन्होंने भी हाँ भी यहाँ मैं थला लाना है, तो उन्हें भी डबल ग्लेजिंग का काम शुरू कर रहा, तुम कर लो पर किसी होर जगह से कर लो भी तुम, यानी कि जो बंद का व्यापार हैगा वनू उ चलन दो। यानी कि साढ़े आम प्रवृत्ति है इदा, यानी कि जे किसी ने ग्रोसरी दुकान खोली तो नाल ही ग्रोसरी दुकान खोलनी है, जे यानी कि वह ब्रैड यानी कि 50 ब्रैड दिता तो उ भावें घट प्राइस तो भी थले प्राइस हो कहना जी मैं तो 35 में बेचूँ, यानी कि ये जी सा मानसिकता है ये तो किंतु परंतु यानी कि असं अज करना चाहते हैं, तो भी विचार असं सुनने चाहते हैं बाद में। तो यह यानी कि गल इत खत्म नहीं होती, व्यापारा में भी गल खत्म होगी, फिर यानी कि गल जी हैगी साड़िया कोठियों साडे मकानों में भी यह गल चलती है, जे फलाने ने यानी कि पेंड जे 50 लाख की कोठी पाई तो मैं यानी कि 60 लाख की पानी है, जे धमकाने ने यानी कि एक पौड़ा यानी कि मेरा उच्चा चाहिए है। एक काम यानी कि जो मैं इस मानसिकता की जी चीरफाड़ करने की कोशिश करता, एक गल असी मैं चीरफाड़ के बाद चाहना, यह गल असी बच्चों नाल भी करते हैं, जे जे यानी कि फलाने का मुंडा जो है वो डॉक्टर बन गया तो मेरा क्यों घट रहे, भावें यानी कि मुंडे की उधरले डॉक्टर पास कोई भी वह एप्टीट्यूड नहीं है,
कोई वह इंट्रस्ट नहीं है। यह जन कि जी भेड़ चाल है, यह जन कि रीस करने की गल हैगी असी अपने आप को जोड़ा है दसन की कोशिश कर ले, मैं तेरे नाल घट नहीं है, मैं तेरे नाल सुपीरियर है। जो चीर फाड़ मैं करके इन्हें गलों देखता होर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते, कपड़े की भी एग्जाम्पल जिदा मेरे वीर ने दी है, जिथे जिथे भी असं यही काम करते हैं ये जी मानसिकता हैगी इनफ्यूटरी कॉम्पलैक्स की ये यानी कि थोड़े का जोड़ा है अपने आप में थोड़े बच्चे यानी कि जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़े बच्चे किसी न किस तरह की हीन भावना हैगी करके यानी कि होंगी है। जैलसी है, असं यानी कि जैलसी भी करते हैं, किसी को असं एप्रीशिएट नहीं करते हैं। ये जी जैलसी हैगी जिन्होंने आप ईरखा साड़ा जिन कहने है वो नुकसान तुहानू हुंदा है, होर किसी कोई नुकसान नहीं हुंदा। सो इस जन के गल तो बचन की गल है, तो ये साढ़े खास करके एशियन लोगों में बहुत है। तुम देखोगे चाहे वह कपड़े की गल हैगी किसी ने कोई ब्याह करना है वो गल हैगी कार लैंड की भी गल हैगी मेरी कार जी है तेरे नाल जा चंगी है, इतों तक भी घर में जो टेबल भी लिया है तो मेरे टेबल दत्तां तेरे नाल तेरे टेबल नाल जा उच्ची हाँ, जानि कि इहो जिहियां जिहड़ियां घनौदियां हरकतां असीं जानि कि करदे हैगे आ उहदे नाल जानि कि बंदा सोचदा यार इहो जिहे बंदे नाल मैं कोई गल नहीं कर सकदा, कि मेरा इन्हां लोकां नाल कदी कम्यूनीकेशन भी कोई चंगी तरह हो सकता, कि तुसीं कोई प्रोपर डायलॉग भी जानि कि जिहड़ा हैगा ह्यूमन लैवल ते वो तुसीं गल भी कर सकदे आ। स्वाद तो इस गल दा हाँ भी मैं एक बहुत वधिया इंसान हैगा, मैं तेरे नाल वधिया इंसान बनना हैगा, उत्थे यानी कि रीस करने वाली गल हैगी गल यानी कि मानते भी है कि मैं यानी जो है लोगों का भला जरा तेरे नाल ज़्यादा करके दहालता है अपने मन में तुम रखते हैं। अदरवाइज जी इंडिविजुअलिटी हैगी प्रफुल्लित होने दो, इस करके जोड़ा है साढ़े जे बच्चे है वो भी सख्त किंतु परंतु करते हैं भी तुम्हें मैं डॉक्टर बनाना कहते हैं, मैं डॉक्टर बन गया है, मैं डॉक्टरी करनी नहीं है क्योंकि मेरा इधरले पास कोई इंट्रस्ट नहीं है, जां मैं अकाउंटेंट बन गया है, तुम्हें मैंने जोर लाया से मैं अकाउंटेंट बन गया है, नहीं तो मेरा इधरले पास कोई अकाउंटेंट बन का कोई तरीका नहीं है। जान के जो बच्चा हर एक बच्चा इनके यूनीक है, किसी के नाल किसी की तुलना करनी महामूर्खता है, क्योंकि यानी कि एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल, हर एक की अपनी प्रतिभा है, हर एक के बच्चे अपने टैलेंट्स है, तुम जो यानी कि उन्होंने इस तरीके किसी ना तुलना करते हैं वो बच्चे भी यानी कि हीन भावना आती हैगी, तो यह यानी कि तुम उस बच्चे के बच्चे जो पोटेंशियल हैगा उन्होंने भी तुम एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। सो मैं समझ लिया भी सानू इस मानसिकता से किंतु परंतु यानी कि जरूर करना चाहिए, सानू सोचना चाहिए भी असं इदा क्यों करते हैं, असं हर गल में ही करते हैं। जे ब्याह किसी ने हिल्टन में किया तो मैं तेरे इतों बड़े किसी होटल में करके दिखा दूंगा, भले दसो भी तुम अपना चुग्गा चौड़ करा के ये काम यानी कि करा रहे हैं, तो किनू यानी कि तुम दसना चाहते हैं जिहड़ियां गल्लां हैगियां। जे कोई बच्चा साइंसदान बनना चाहता है वह साइंसदान बनाओ, जे कोई आर्टिस्ट बनना चाहता उन्होंने आर्टिस्ट बनाओ, जे कोई राइटर बनना चाहता उन्होंने राइटर बनाओ, जे कोई फुटबॉलर बनना चाहता तो उन्होंने फुटबॉल बनाने के लिए हेल्प करो, जे कोई पलंबर बनना चाहता पलंबर बनाओ, क्योंकि आप इहोजे मुल्क में बैठे हाँ जिथे डिग्निटी ऑफ लेबर यानी कि सानू इस मुल्क ने जानकर सिखाई है। यह जन कि गल्ला है मूर्खता वाली जी गल्ला अपने मुल्क में करते रहे हैं उ जी मानसिकता हैगी असं इतने भी लैके आए हैं, पर इस गल की मैनू भी इस गल की खुशी होंगी है भी जोड़े साढ़े बच्चे है वो जानि कि साड़िया योजना करतूतों तो जाणू भी है तो वह इन गलों तो जोड़ा है वो दूर भी निकल गया है, वो इन गलों बारे बहुत रिटर्न करते हैं, उन्हों का लाइफ वाल जानि कि एटीट्यूड है टोटली बखरा है, उन्होंने लाइफ में जीण का ढंग तरीका इनके बखरा है। सो मैं समझ लिया भी सानू ये जी रीस करने वाली गल हैगी चंगी रीस की गलता हर एक दुनिया को इनवाइट हर क्यों करना चाहिए भी मैं वह अर्गा वधिया बन सका, पर तुम उस परसनैलिटी का कतल कर रहे हैं, तुम उस परसनैलिटी का ढाण कर रहे हैं जे तुम पोटेंशियल जोड़ा है प्रफुल्लित नहीं हो देंगे। डॉक्टर साहब तुम बहुत इंपोर्टेंट मुद्दों पर टच करके गए हो, एक गल मेरी समझ आती है भी जदों असीं किसी लिए काम करते हैं वो उस काम की सानू तनखा मिलती है, कोई भी बंदा अपनी तनखा तो संतुष्ट नहीं हुंदा डिमांड करता हो, जे कोई बंदा वही काम खुद करन लग पैंदा जिहड़ा मैं किसी लिए करदा मैं खुद लिए करा वही काम यह गलत आ? बिल्कुल नहीं गलत, गल सिर्फ गल कर दी हैगी भी जे ये कहना भी जे धर्मचंद महेरी ने दुकान की दुकान खोली तो मैं गुआढ़ी खोल के देने दुकान में बंद करा के दिखा रही हाँ, यानी कि वह गल गलत हैगी गल यानी कि हैगी जे तुम वो काम सीख लिया है किसी होर एरिए जानि कि तुम कम कर सकते हैं, जिथे जानि कि गोरियां की गल तुम देखो
जे गोरे जन कि उत्थे नाई की दुकान उन्होंने खोली हैगी है, सॉरी जन कि टू यूज द वर्ड, जन कि जरा हेयर कटिंग की दुकान जन कि जो उत्थे हैगी है तो नाल नहीं खुलेंगी उस मतलब किसी होर स्ट्रीट में किसी होर इलाके में जाके जन कि खुलेंगे ता कि जन कि उसका व्यापार भी चलता रहे तो मेरा व्यापार भी जन कि चलता रहे। ये मैं मानता है भी कंपीटिशन जन कि होना जरूरी है, पर दूजे पास ये भी है, पर जोड़ा कंपीटिशन असी जिस हिसाब न करते हैं जी साड़ी बैकग्राउंड भी है साढ़े बच्चों कभी किसी ने उसे बिजनेस नहीं किया ना किसी ने कोई जी है मास्टर्स डिग्री की है ईवन जन कि पहली डिग्री भी नहीं की है जी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की होंगी हैगी भी नहीं की हैगी तो असं इतने बहुत बड़े बड़े व्यापार कर ला पै है जन कि मेरा मतलब यही है कि सू व्यापार नहीं करना आता जन कि गल कर दी है देर आर एथिक्स एंड देर आर मॉरल्स देर आर सम जन कि पैरामीटर्स है जिन्होंने जन कि सू फॉलो करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भी सूँ वो कम नहीं करना चाहिए, पर किसी भी रोटी खाने दो तो आप भी रोटी खाओ, लिव एंड लैट लिव वो जन कि पहला इस मुल्क एक असूल से जो तुम कोई बिजनेस खोलनी है थानू ओदी परमिशन लेनी पैंदी बिल्कुल बिल्कुल या तो जे उत्थे ऑलरेडी फिश एंड चिप्स की शॉप हैगी है तो थानू अलाउ नहीं सी करदे जां जे उत्थे खूनित हैगी ऑफ लाइसेंस वो थानू अलाउ नहीं सी करदे हुण जिहड़ा मर्जी जिथे मर्जी खोल लैंदा। अच्छा बहुत सारे जिहड़ी आपां गल करदे दा मेन एक मैं समझदा असी जे तो कम सीख्या वह नुकसान पाना जिदा जो लफ्ज जल से यूज किया ना तो असी कोशिश करते हैं कि भी जे गाहक मेको हो आपे नुकसान हो गया बिल्कुल बिल्कुल मैं जो टैक्सटाइल जी इंडस्ट्री सी एब्सोल्युटली जानी उन्होंने अपने भतीजे भाणजे इदा प्रौहने वगैरह सदे उन्होंने उत्थे काम किया उतों ही सीख्या क्योंकि इंडिया में तो पता नहीं कम का उतों सीख के उन्होंने उन्होंने जोड़े गाहक से इस्तेमाल किए जे जितों सीख्या वह कर रहा है तो जी मन में जैलसी ज किसी नुकसान पहुँचाने का जोड़ा मादा आ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਨ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮੰਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੱਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਪਣ ਜਾਨ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਮੋਰਲਸ ਜਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੋਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇਮਸ ਵਾਟ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਥੈਚਰ ਸੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਸਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇਮਸ ਬਾਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਗ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲਸ ਜਾਂ ਐਥਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ ਲੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਾਓ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ अच्छा ये जो रवैया आ डॉक्टर साहब हाँ जी
कि ये सिर्फ पंजाबियों में ही है अंग्रेज़ों में भी है जिनी क मैनू भी तुहानू पता लगे तुहानू भी अद्धी सदी हो गई इत्थे रहिंदिआं नूं मैनू भी हो गई है बहुत सारे अपने जिहड़े लिसनर्स हैगे आ जिहड़े अपने दर्शक है उन्हां नूं भी इत्थे बहुत समा हो गया रहिंदिआं मसल भी उन्हां विच इह प्रवृत्ति घट है यानी कि वह बच्चे जिहड़ी डिवेलपमेंट उन्हां दी बच्चे दी है मैं इसे करके बार बार अपने बहुत सारे प्रोग्रामां विच इह आपां गल फिलिप कर चुके हाँ साडी ब्रॉटअप विच नुक्स हैगा यानी कि असी प्रवचन सुणदे ते प्रवचन सुणाउंदे असी बड़े आदि हाँ पर प्रैक्टिस विच नहीं करदे तुसीं देखो गोरिआं विच वह बच्चे की जोड़ा हैगा देखते दे भी झुका किधर हैगा उधरले पासे यानी कि वह उन्होंने प्रमोट करते हैं जो मैं ईवन जानि कि जो बायोग्राफी से भी गल की हैगी जो चार्ल्स डार्विन जोड़ा बाप जो डॉक्टर से मेडिकल डॉक्टर वह बाबा भी यानी कि मनिया हुआ मेडिकल डॉक्टर से कवि भी अरास्मस डार्विन उन्हें यानी कि क्या उन्होंने कह लिया डॉक्टर ने अपने बाप ने कह लिया भी हाँ मैं अपने मुंडे को डॉक्टर बना पर कहते मैं तो खून तो देख के यानी कि जी है किरण आँदी है तो उन्हें यानी कि जोड़ा है नहीं कहना मैं नहीं यही काम करना है तो वो बाप ने सपोर्ट की वो यानी कि मेरा मतलब कहने का यह हैगा ये गल्ला मैं यानी कि कर रहा है 18वीं सदी दियाँ असी हूँ 21वीं सदी में जानि आ गए हैं जो कि बहुत सारिया साढ़े अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत सारा यानी कि नॉलेज जो है दिनों दिन बढ़िया तो जानि जे कोई कहता भी नॉलेज का सिरा पहले लग चुका जी जो है कोई धरती बाणी यानी कि जो है साढ़े ग्रंथों में किसी किताब लिखी है कि मैं उन्हें डिस कंप्लीटली डिसएग्री होना है क्योंकि ज्ञान का जो जो भंडार है वो दिनों दिन बढ़ता है सो इस करके मैं समझदा भी जिहड़ियां नवीं चीज़ा है असं नवे लोगों तो भी सीखते हैं तो गोरियां तो बड़ा कुछ सीखता है मैं यानी कि इन्हां तो बहुत कुछ सीखदा मैं भी डेढ़ सीखदा इन्हां दीआं जिहड़ियां कई गल्लां हैगियां वी नीड टू अडोप्ट दैम इस करके जिहड़ियां अपनियां कसियां पिटियां जिहड़ियां आदतां हैगियां उन्हां तो सानूं निजात होनी चाहिए है। अच्छा ये तो आपां निर्णा कर लिया हाँ जी कि साडी जिहड़ी सोच विच कितें ना कितें खराबी आ जिहड़ी असीं जैलसी करके दूजे नूं कामयाबी वल असीं वधण नहीं देखना नहीं चाहुंदे असीं कहिंदे आ जे पंज रुपये गया तो उन्हूं टक जावे चार मैनू आ जावे जिहड़ी ये साडी हमेशा ये सोच रही है तो बहुत सारे किस्म जो सुन है जो कोई बच्चा पढ़ता उहदी एजुकेशन डिस्टर्ब कर ली उन्हां नूं बच्चे नूं असीं लालच देण लग पैणा जां बच्चे नूं असीं जदों पढ़न दा मौका उदों नूं असीं होर पासे ला लैणा जां उन्हां गल्लां करन लग पैणा जां उन्हां जानी डिस्टर्ब करना उन्हूं तां कि हाँ जी ऑन जो हेलो जी कौन तो कितों बोलदे स्वागत है थोड़ा जी हेलो जी मैं फकीर चंद चौहान बोलदा जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत चौहान साहब वेलकम की कहना चाहना जी विषय आपने रखा बे नकल करनी चाहिदी है या किस तरह क्योंकि डिपेंड करता वे जिहड़ा भारतीय समाज है उत्थे दी गल हो रहा इत्थे यूके दी फर्क है क्योंकि भारतीय समाज दे विच जिहड़ी व्यवस्था ही इदां दी है हरेक बंदे नूं कहा गया भी तू आ काम करना तैयार नहीं करना जानी बंदिश है और फिर जिस वेले वो काम करना चाहते भी जिदा विद्या प्राप्त करन दा जां कोई व्यापार करन दा जां होर किते करने चाहते है तो उन्होंने दस्या जाता भी थोड़ा तो किता ही नहीं भी थोड़ा किता तो आ रहा और उही करो और वड्डी गल जिहड़ी हैगी आ भी जिहड़ा औरतों भी रोकया गया भी तुसी पढ़ना नहीं तुसी आ काम नहीं करना क्योंकि ये फिर बड़िया रुकावट पर उत्थे भी तुसी देखो भारत दे विच जिहड़ी जिन्हें लोगों ने इस सिस्टम दे बगावत की आ उन्हें समाज नूं बदलिया क्योंकि जिन्हें कहा भी असी विद्या जरूर प्राप्त करनी है उन्होंने रोकया भी गया उन्हें विद्या भी प्राप्त की फिर तुसी देखो उन्हें कारोबार भी खोले कारोबार खोल के जानी उन्हें कामयाबी भी हासिल की फिर जो देखो ज्यादा जोड़े लोग लाई लगता उन्होंने वो जिदा कोई करता चाहते भी मैं भी इदा करा जे किसी को चार पैसे आ जाते हैं तो ये नहीं देखता भी पैसे इन्हों वरतना कि क्योंकि जी कमाई करनी होर चीज़ है वो सामभनी होर चीज़ है हम उ देखो किन्ने नुक्स आ भी ब्याह से कि खर्च करते हैं बचो और कई बच्चे चंगे भी नहीं कहते करो पर बाकी कहते करो हुण देखो भी जे तुसी अपनी आजाद सोच दे नाल कोई काम करते हैं किता अपनाउंदे हैं उहदा नतीजा भी चंगा निकलदा
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਖੋਲੋ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਪਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੀਰ ਪੀਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਖੋਲਵੇ ਉਹੀ ਗਾਹਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਫੀਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਵਾਇਸ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕੋਲ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਪਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਖੰਡਵਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫਰਟ ਪਾਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਅਜੇ 100 ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ IQ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਸੀਗਾ ਉਹ 162-180 ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 182-200 ਸੀਗਾ ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਂਗ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਢ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਢ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਇੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ
भी जिहड़ा मेरा बर्ताव हैगा वो किन्ना कि यानी कि मानतावादी हैगा, किन्ना कि वह इंसानियत का भले करने वाला हैगा, किन्ना कि यानी कि वह भाईचारक सांझ नूं वधाउण वाला हैगा। जिहड़ा जिनी भी दुनिया में तरक्की हुई हैगी उस सहयोग नाल हुई है। जे असीं आ प्रोग्राम कर रहे हैं तो दोनों भरावां दा साडा सहयोग हुंदा तां ही प्रोग्राम असीं कर रहे हैं। जां किसी ने कोई इनवेंशन कढ़ी हैगी वह भी उहनूं सहयोग की जरूरत हैगी है। हर एक बंदे नूं सहयोग तो बिना उहदी तरक्की नहीं हो सकती इस मुल्क में, यानी कि इस मुल्क की नहीं मैं इस दुनिया में जाके कह रहा, क्योंकि असीं जिहड़ी साइंस की तरक्की कहती है भी हर कि वस्तु हैगी दूसरी वस्तु नूं जाने कि वह अट्रैक्ट करती हैगी है। हवा में जाने कि कणके कणके असीं सारे एक दूजे नाल कनैक्टड हाँ, ये गल जाने कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैगी है। हर कि यानी कि जो इंसान हैगा, हर एक जीव जंतु जानवर पंछी यानी कि असीं एक दूजे नाल कनैक्टड हैगे हाँ। हवा भी जाने कि उहदे विच जीव जाने कि जिहड़े पार्टिकल्स है असीं वी आर कनैक्टड विद ईच अदर। सो उस सहयोग के नाल ही असीं अगे चल सकते हैं। जे यानी कि असीं उन्हां पार्टिकल्स नूं उन्हां जीव जंतुओं नूं उन्हां इंसानां नूं जे असीं नुकसान पहुँचावे तो वह नुकसान जाने के साडा है। जे जाने कि मैं किसी का नुकसान करता है उन्होंने तो जैलसी जे मैं करता है मेरे अपने बच्चे यानी कि जोड़े है नैगेटिव फीलिंग्स होनगियाँ उन्होंने तो नैगेटिव हारमोनस पैदा होंगे है यानी कि एंगर पैदा होंगे हैगा। तुम यानी कि जोड़ा है अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे, तुम मानसिक तौर पर अपना नुकसान करा रहे हैं। इस करके मैं एक पंजाबी से हाँ जी वो कहें कि भी अगर तुम किसी नुकसान करो थोड़ी जी सोच है भ्रष्ट होगी नुकसान सा एदू बड़ा नुकसान नहीं सबको कॉल लगी है। हेलो जी कौन कितों बोलते स्वागत है थोड़ा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नहीं कोई नहीं। हेलो जी गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग जी। हेलो हाँ जी स्वागत है जी, की कहना चाहते जी? मेरे मेरी आवाज आ रही सर तुम? बिल्कुल आ रही जी। कौन बोलते कितों बोलते? हेलो मैं मोहम्मद बोल रहा, मैं थोड़े देर ना टेलीविजन लाया लेकिन मैं कुछ डिस्कशन कोई टॉपिक मैं कुछ ज्यादा नहीं समझ सकिया, लेकिन उन्हीं जो सज्जे डॉक्टर साहब बैठे ने चार्ल्स डार्विन का जिक्र किया है। वो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि मैन इज डिसेंडेंट ऑफ एप, कि मतलब असी सारे मतलब किसी होर नसल तो पैदा हुए हैं। लेकिन मैं थोड़ा प्रोग्राम रिलीजियस नहीं है, लेकिन ऐ वे कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ऐ वे कि जिस तरह कहते हैं कि आदमी जोड़ा अशरफुल मखलूकात है, इंसान ने अकल दी है, इंसान न सोचन का मादा दिता है, कल्चरल डिफरेंसिस ने उन्हें ही तुम वाइट लोगों की नाल भी उसका मुकाबला कर रहे सो। तो इन्ह लोगों मतलब कुछ हद तक सुपेरिटी कंपलैक्स है वाइट लोगों, मैं देखिया मेरा तो यही तजर्ब है, आई मे बी रोंग, कि इन्हों ने सारी दुनिया से मतलब छह रहे ने। क्वीन विक्टोरिया कहती सी कि वो सूरज नहीं डूबता वो हुकूमत च, एवे कि कोई भी रेस सुपीरियर इनफीरियर नहीं होंगी, सब इंसान ने सब बराबर से सोचते हैं। हूँ इतने जोड़े बच्चे बले पड़े ने साडे अंग्रेजा के बच्चों के बराबर ही उन्होंने समझना वा, तो जोड़े हम मच्योर एज इतने आते हैं या जिस तरह साढ़े जे लोग ने जोड़े पुरानी सोच दसते हैं उन्होंने सोच से साड़ी एक नई नसल की सोच बड़ा फर्क है, क्योंकि बचपन की कहें परसनैलिटी डिवेलपमेंट या पीयर प्रैशर भी उन्होंने कहें ने वो बड़ा आदमी की जिंदगी से बड़ा असर रखता है कि क्यों जी कंपनी जो जो मेरा मुद्दा वीर जी वह बड़ा सिंपल आ, यह है कि असी कई बारी कंपीटिशन करते हैं सिर्फ इस करके कि बंदे नूं फेल करना। हेलो तुहाडी आवाज रास्ता आ रही है सर? नहीं जो मैं कह रहा मैं जो सा मकसद गल कर कि साढ़े समाज में किदा की सोच आ कि असी ना खुद को नुकसान भी उठाना पवे, लेकिन असी ये धार लें कि असी फलाने बंदे का नुकसान करना, वो जी धारणा वह जी थिंकिंग हैगी तब्दीली आनी चाहिए है, ये साडा प्रॉब्लम। हाँ नहीं है कुछ लोगों से साढ़े लोगों से इनफीरियरिटी कंपलैक्स है कि असी लोग बड़े इन्ना गोरियां कोलों इनफीरियर है, लेकिन कंपलैक्स को सानू दूर करना चाहिए, सानू बराबर की सोच तो होनी चाहिए कि साढ़े जो इस असी पैदा कर सकते हैं जो है मुकामे या किसी भी नस्ल के लोगों से किसी को मतलब असं इतने आए हाँ तो मतलब यह नहीं कि असी इनफीरियर लोग हाँ, मतलब इन्होंने लोगों के नाल साडे बच्चे कंपीट करते हैं, इंटरव्यू दे जाओ तो वाइट लोगों प्रैफर करते हैं, हर जगह सानू लोगों लेट डाउन करते हैं, लेकिन वो बावजूद तुम देखो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टा तो साडे लोग पहुंचे ने, मेयर काउंसलर हूँ हैल्थ सैकटरी बने हैं, ज साजिद जावेद भी एशियन है, दो होम मिनिस्ट्री से एक्सचेक जोड़े ने
थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू वीरू सिंह कोड की बहुत अच्छा लगा थोड़ा गल करके यू मेड सम वेरी गुड पॉइंट्स थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब जड़ी कामयाबी किसी ने जो कामयाबी करनी है कोई काम करना उन्हों की तो शुरू करनी पेगी देखो लेट मी फिनिश बंदा कोई काम करता केड़ियां काटा करके की उदे विच काट आ के उन्हों काटा खा के कॉम्पीटिशन करना पै रहा की वजह आ क्यों करता बंदा देखो जन के जिहड़ी जे तुहाडे मन विच डिटरमिनेशन हैगा तां फेलियर उहदा पार्ट हैगा बहुत सारे जन के दुनिया में जिहड़े लोग कामयाब हुए हैगे आ उह बहुत बारी फेल जन के हुए हैगे हर एक बंदे दी जन के मैं हुण कली कली एग्जाम्पल नहीं दे सकता पर इफ यू रीड द ऑटोबायोग्राफीज जां बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल तो उन्होंने यह नहीं हैगा लगी उन्हों की कामयाबी उस वेले उन्होंने मिल गई हैगी उन्होंने बहुत सारिया जिहड़ियां ना कामयाबियां फिर लिया तो वो कहते भी असं उन्होंने ना कामयाबियों तो सीख्या हैगा तो आइडेंटिटी का टारगेट्स हैगा वह जरा रियलिस्टिक होना चाहिए अचीवेबल होना चाहिए तो वह जरा है डिटरमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा यानी कि होना चाहिए जे यानी कि तुम्हें अपनी वीकनेसिस का नहीं पता है भी उन्होंने वीकनेसिस मैं ओवरकम कि करना जे मेरे कोई वीकनेस हैगी तो उन्होंने मैं ओवरकम करने के लिए कि मैं कोई ट्यूशन ली हैगी मैं कोई ट्रेनिंग ली हैगी उन्होंने मैं कोख्या है भी उन्होंने मैं जितों मैं गलती की उन्होंने मैं दोबारा गलती ना करा फिर जन कि है बंदा उधर कामयाबी जन कल पढ़ता पर सब तो बड़ी चीज़ जन कि मैं महसूस करता जे जड़े बंदे ग्रेट हुए है महान लोग जन के हुए उन्होंने इंसानियत का अंश बहुत बड़ा सी उन्होंने अपना इंसानियत का अंश जोड़ा है किसी पास भी तिलकण नहीं दिता सो इस करके गुड ह्यूमन बीइंग बनना इनके बहुत जरूरी है प्राइम मिनिस्टर भी कोई जन कि बन सकते बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं बहुत बड़िया बड़िया होर पोस्टा के भी जन कि लोग बन सकते हैं पर जे तुसी गुड ह्यूमन बीइंग्स नहीं है जे तुसी लोगों का किसी का ख्याल नहीं रखा है लोगों की भलाई का ख्याल नहीं रखा है तो फिर मैं समझा लिया तुसी जिस मर्जी पोस्ट होवो नोबडी विल लाइक यू मैं एक कुछ इंडेक्स पढ़ रहा सीगा इस मसले नूं लैके हाँ जी जदों मैं इहदे बारे सोचा प्रोग्राम के बारे च हाँ जी उहदे विच एक गल बहुत खूबसूरत सामने आई है कहिंदे उह कहिंदा कि जे तुहाडी इंटेंशन अपने बिजनेस के प्रति सही नहीं है तुसी कामयाब नहीं होगे बिल्कुल बिल्कुल बेशक चल जाऊगी लेकिन जिहड़ी बुलंदी ते तुसी जाण दे काबिल आ जां थोड़ा ट्रेड जा सकदा उत्थे तुसी नहीं पहुँच सकोगे क्योंकि थोड़ी जिहड़ी इंटेंशन आ उह अपने आप नूं कामयाब करन दी घट आ दूजे नुकसान पहुँचने ज़्यादा बिल्कुल थोड़ा नजरिया जिनके गलत है हाँ पहले ब्लर्ड है यस तो उन्होंने उन्होंने किया कि जो तुम कोई बिजनेस खोलनी है जे तू कंप्यूटर भी कंपटीशन भी करना किसी पहले तो ये सोचो जो तुम कर लगे वो बारे थोड़े को इनफ जानकारी हैगी है तो जे थोड़ा इनफ नॉलेज नहीं तो तुम कम गलत शुरू करोगे अधूरा शुरू करोगे दूजी नाल उन्होंने कहा कि जिथे तुम काम शुरू करना की वो लोकेशन उस काम के काबिल है बिल्कुल 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 तो वह भी थानू फेर या पास कर सकती है दूजी गल जिन्हां लोगों नू तुसी नाल लैके काम कर रहे हो चाहे तुसी उन्हां तो काम करवाना चाहे तुसी उन्हां तो बाई करनी कोई चीज़ की वो थोड़ी सोच के मुताबिक हैगा कि तुसी उन्हां बारे विचार की है कि थोड़ा कितने पहुँचाओगे हो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कई बार थोड़ा समान दे के भी बर्बाद कर देंगे लोग बिल्कुल बिल्कुल माड़ा समान देना गल गल कि जी कामयाबी हर एक नूं लोड़ आ लेकिन कामयाबी नूं प्राप्त करन दा जो नज़रिया वह बखरा बखरा जिहड़ा आपां अज ये प्रोग्राम करन लई अज आए हैं जिहड़ा आपां कर रहे हैं वह है कि भाई हर एक चाहता कामयाब हो हर एक बंदा चाहता कि मेरे बच्चे पढ़न हर एक बंदा चाहता मेरे बच्चे बहुत बड़े अफसर बन हर एक बंदा चाहता कि मेरे भी थले बड़िया बड़िया कारां होन लेकिन जिहड़ी तुहाडी इंटेंशन आ जे तुसीं ईमानदारी दे नाल सोचदे आ जां सही तौर ते दिलों सोचदे मैं आह कम करना और उहदे बारे थोड़ा नज़रिया सही आ तां तुसीं कामयाब भी हुंदे आ ते बाकी जिहड़ी गल आ कि जिहड़ी इह नैगेटिव थिंकिंग आ एक तो पैदा होती है क्यों बंदा सोचने लगता कि मैं उन्हें खत्म कर देना देखो ये जड़ी क्योंकि मेनली इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो ही मैं समझ लिया भी ये जेलसी है जेलसी जेलसी तो इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जोड़ा है जो अपने कामांतरी कहते हैं अपने बारे सोचना ये दोनों कनैक्टड है एक दूजे तो इन्हें बहुत बड़ा दुनिया में नुकसान किया है तो यदा मतलब यही है सिर्फ वो साढ़े बच्ची हैगी ज़्यादा साढ़े बच्चे कंपेरेटिवली ज़्यादा हैगी है गोरे नाल मैं देखे है पर यह हर एक किते हैगी चाहे कोई राइटर है चाहे कोई साइंसदान है चाहे कोई
किसी होर वड्डी पोस्ट पर हैगा उन्होंने लोगों में तो उन्होंने बहुत सारे नुकसान किए ये कई मौत भी यानी कि हुई है बहुत सारिया मौत भी यानी कि जिड़िया है हिस्टरी के इस करके हुई सो यानी कि जो चक्कर है जिनी देर असी किसी को अहमियत नहीं देंगे लिव एंड लिट लिव यानी कि जो कॉन्सैप्ट है जिनी देर असी यही यानी कि लैके आते अपने दिमाग में उन्नी देर तुम अपना नुकसान भी करते हैं तुम दूसरे का नुकसान करते हैं तुम यानी कि वह सोसायटी का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं थोड़ा जी जिन्हों दुख पहुंचिया होवे ना इस चीज की ज्यादा एहसास होंगी मेरे बाजू एक्सीडेंट कटे गए बाहां लंदन एक्सीडेंट च बाकी गुरु नानक ने जो किया के कूड़ बनिया प्रधान वे लो ते जरा मुद्दा ताडा हैगा मैं इत ब्रैडफोर्ड च रहना मेरे घर चार पांच गुरुद्वारे चार पांच मसीतां मंदिर हैगे ने ठीक मगर मेरी सोच मैं सारा मुल्क इंग्लैंड च रहा नवा नहीं आया सारी उम्र इतनी रहा मेरे डैडी लगे आया मैं बच्चा ठीक मगर मैं ये सारा पंजाबी हैगा महला बाजार दुकाना सब पंजाबी पाकिस्तानी सिंह सारे ठीक मगर मेरी दिली ख्वाहिश है मैं इथों नस के फिर पाकिस्तान एक पंजाबी दा नजर आवे एक पंजाबी दा नजर आवे वो दुख दी है मुक्त सरदान ज्यादा स्टोरी नहीं सुनांदा छोटी रखना कि मेरिया किताबा मैं ट्रांसपोर्ट कराया से अपना समान तो मेरिया किताबा सारिया एक पठान चोरी क्योंकि चोरी कर लीतिया उन्हें जरा ट्रांस रिमूवल मैन हैगा सी ते मैं मेरिया बाहवा कोई नहीं मैं तुर डरते नहीं तुर सकता कि मुंडे पिछे लग के शरारत कर दे इधर निकल जाओ उत्थे लोग शरारत करते अपने बच्चों के लोगों के मसले मेरे पल्ले पाना चाहते मैं मजदूर बंदा मैं अपनी किताब पढ़ाई लिखाई च लगी मैं किसी तलक ही नहीं है मैं तो डरना अपने लोगों को मगर यह मेरा जी हराम रहने की मैं तुम्हारी गल समझना मैं तुम इन्हों लोगों ये दसो कि लोग साढ़े ना इना किसी रिस्पैक्ट करना बिल्कुल नहीं जानते इतने सारे पाउडर लैके वेच रहे मजाल है कोई धर्मी बंदा एक गल भी कवे तो पाउडर बदमाशी से गोरिया की अपने बंदे करते इतने से कोई एक बंदा भी कोई गल करे कि एडा पूजा पाठ ए धर्म एडिया ग्रंथा के पाठ किए जाते कुरान पढ़े जाते कोई एक बंदा कोई बोले कि यह चीज गलत है तो यह सही है थैंक यू जी थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीर जी काफ़ी हर्ट हो उन्होंने गल जी शुरू में की बहुत इंपोर्टेंट सी जो बंदा दुखी हो जिद वापरी हो सही तौर पर एक्सप्रेस कर सकता अपने व्यू बिल्कुल असी हर मुद्दा साडा इसी करके वाकई नाल बखरा हुंदा कि असी कुछ थोड़े वर्गे सज्जना तो कुछ बाकी कोलों तो कुछ असी अपने एक्सपीरियंस तो निर्णा करने की कोशिश करी दी है कि बई जिहड़ा नुकसान असी पहुँचा रहे हैं खास तौर पर जान बुझ के जो नुकसान पहुँचा रहे हैं वो तो असी गुरेज करिए जे अचानक तुम नुकसान किसी का कर बहते हो भी सानू चाहिए कि वह असी महसूस करिए असी किया तो वो अपोलोजीज करिए पे बैक करिए जिन्ना भी असं कर सकते हैं लेकिन मैसेज जो बाहर जाना चाहिए यह है कि साड़ी किसी को नुकसान पहुँचाने की भावना नहीं होनी चाहिए यह अज का जो सा प्रोग्राम हैगा वो भी ये नाल ही लवरेज है कि जेडे जान बुझ के बिजनेस करते हैं लोगों नुकसान पहुँचाने या किसी को नुकसान पहुँचाने याद रखन उन्होंने उस बिजनेस में तो फायदा नहीं होना क्योंकि गाहक बनने जाने क्योंकि जिदा पहला मैं गल कर डॉक्टर साहब ने सैकंड की थी जो थोड़ी मानसिकता ही गलत हो गई किदा कामयाब हो गए गलत पैसा कमाया थानू सौन नहीं दिता एक कहावत आ तुसी बिजनेस कर लो गलत समान लिया के बेच लो थोड़े को पैसे हो जाएंगे लेकिन जो मन में थोड़ी जी शंका आ जो डर वा वो हमेशा बरक रहा डिप्रैशन होंगे वो ही बंदा सौ नहीं सकता गोलियां खा के सौंदे लोग इस करके जे साडे जिन्ने भी प्रॉब्लम असं कोशिश करते हैं कि तर्क के नाल जोड़ के लोगों आप सही तो सुंदर जिंदगी जीण का एक राह दसीए यही साडा मकसद डॉक्टर देखो गल गलों चो गल जानी निकलती है साढ़े वीर ने जिन्होंने टेलीफोन उन्हें किया है बड़ा टॉप का यानी कि नुकता उन्होंने उठाया है वो ये है
ब्रेकफास्ट तो असं बड़े अपने धार्मिक होने है सू इस चीज़ का कोई गिल नहीं। जिस तरह पहले भी मेरे वीर ने गल की सी भी साढ़े अपने विचार है कंशी टैलीवीन का कोई मतलब नहीं है। जोड़े साढ़े स्रोते है जो सा दर्शक है उन्होंने अपने विचार है पर देखने ये है एक पास तो असं बड़े धार्मिक अपने खोने है भी हाँ जी असं ती हर एक का भला चाहते हैं पर प्रैक्टिस के गल रिफलैक्ट नहीं होंगी अक्रॉस दी बोर्ड चाहे यानी कि कोई सिख है चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे क्रिश्चन है चाहे बोधी है चाहे कोई भी है। मैं महसूस ये करता हाँ भी जी गल मैं पहले भी की उसे दोबारा फिर मैं यानी कि लैके आना जिनी देर असी अपना अपना आप ही प्रचोल असी करते हैं जिनी देर असी यही नहीं देखते रहे भी साढ़े नुक्स कितने है तो उन्होंने मनते नहीं है असी मनते नहीं हाले मेरे कोई नुक्स है असं समझ ले मेरे वर्गा दुनिया कोई बदला पैदा होया ही नहीं है। मैं सब कुछ जानकर परफेक्ट हाँ ह्यूमन बीइंग जदों के साथ सारे नुक्स है मेरे च बड़े नुक्स है मेरे वीर च बड़े नुक्स है तुहाडे विच भी शायद नुक्स हो जे तुसीं अपने आप इंट्रोस्पैक्ट करो पर कभी उन्हें निशानदेही करके उन्होंने एक्सैप्ट करो जिनी देर तुम किसी चीज़ को एक्सैप्ट नहीं करते हैं उन्नी देर तुम उन्होंने चेंज करने के लिए उन्नी देर उन्होंने बदलने लिए तुम कोई भी तरद तुम कोई भी कोशिश तुम कुछ नहीं करोगे। सो ये एक तो बहुत ज़्यादा जरूरी हैगा भी असं जो पखंडबाद जी सा हिपोक्रेसी हैगी तो दूर हो गई। मैं ये कुछ यहोजा है रिश्तेदारियों में जानते लोगों में मैं जानता है जिसे के बच्चों उन्होंने किसी के बच्चों यानी कि नुकसान कराने की उन्होंने कोशिश की है बच्चों पुठे राय पाने की कोशिश की है उन्होंने ड्रग से लाने की कोशिश की है जन कि जे कोई बच्चा कोई किसी रिश्तेदार लैन के कोई पढ़ाई कर रहा है तो जे कोई वो बारे कोई पुछता ले भी वो कितने हैगा गया तो कहना जी खरे की करता जी उत्थे बदमाशियां खरे करता होना जो कि वह बंदा लाइब्रेरी में जान के बैठा 16-16, 18-18 घंटे जान के पढ़ रहा है तो वो बारे योजा बकवास करना यानी कि मैं समझ लिया साड़ी यही मानसिकता है यानी कि योजी मानसिकता तो सू दूर रहना चाहिए क्योंकि ये असं बहुत बड़ा नुकसान पाने किसी के दिल में तुम दुखी करते हैं फिर वो बंदा यानी कि उस गल भुलता नहीं है। मेरा एक दोस्त है मैंने वो स्विमिंग जाने उ मिलता सो मैं दसदा क्या फलाना बंदा कि है कहता इस बंद ने इस करके कहता मेरे माँ बाप ने मेरे बारे पुठिया सीधिया गल् कर भी यू तुम पढ़ कल लाया जलों के कहता वह जो मुंडा स्कूलों बहर क्या तो कहता उन्होंने बड़ी तकलीफ इस चीज़ की हो रही थी भी मैं कि है पढ़ाई में क्यों यानी कि कामयाब है तो मेरे माँ बाप ने पुठिया सीधिया गल से पढ़ो तुम हटा लो इन्हें पढ़ के की लेना है वो बंदा हूँ जड़ के हीज़ यूनिवर्सिटी लैक्चरार तो मैंने दस रहा है कहता भी यहोजी गल् करता वो बंदा जरा कि हूँ वह बंदा भी मर गया है। मेरा मतलब कहता कि बंद हर्ट करते हैं उस हर्ट में सारी उम्र भी भुलते नहीं है। सो इस गल तो सू गज करना चाहिए इंसाना बच्च एक भी किस्म हैगी जी। हैलो जी कौन तो कितों बोलते स्वागत थोड़ा जी। हैलो हैलो वेलकम जी कौन तो कितों बोलते हैं नुकसान कर देंगे सची है शॉप है बिजनेस मोबाइल की शॉप है राइट हां जी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਹੀ ਖੋਲ ਲਈ ਸ਼ਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੋਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਜਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀਏ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਐਵੇਂ 299 ਦੇ 2 pound 3 pound 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੱਟ ਥਰੋਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਟਾਕ ਉਦੋਂ ਫਟ ਔਡਰ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਰਾਈਟ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਡੈਵਨੋਨ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੜਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ
बिजनेसमैन मैं तो बंद किए बहुत चिर हो गया। मकसद ये कहते लोग एक दूजे सीख के तो वह ही इदा कहते गला दबाने करते होंगे इदा नहीं चाहिए करनी जो हेल्प मंगी है तो भावा तुम दो मील छड़ के कर लो कि काम अगले नूं हर्ट ना हो। प्रोग्राम बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू जी। मैं अगे भी सुने मैं जो कुछ गलत बोले मैनू माफ करना, मैं किसी होर पब्लिक ने भी कुछ गलत बोले तो माफ करना। बहुत 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 वधिया बोले। थैंक यू वेरी मच। कॉल करते रहा करो क्योंकि सही दिशा लोगों जानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब अपने को 3-4 मिनट है, थोड़ी जी आप गल करिए भी कामयाब होने करना की चाहिए। मेरे ख्याल ये सवाल अगे भी जो आप शुरू से किया है। पहली गल तो यह भी जिस तरह इमानदारी जी जी है बड़ी जरूरी हैगी है, थोड़ा टारगेट जोड़ा है वो बड़ा क्लीयर होना चाहिए। जिस तरह तुम्हें पहले गल की है भी मन यानी कि वह पूरा 100% होना चाहिए भी मैं आह काम यानी कि करना है तो वो तो मेहनत भी करनी पैनी है, तो इस चीज़ भी तैयार होने की जरूरत हैगी है भी वो नाकामयाबियां भी होगी। तो सर्वे भी करना चाहिए कि उस काम की उस जगह पर जरूरत भी है या नहीं है भी की मैं वो जिस तरह दस भी कस्टमर देखना लगे उत्थे डिमांड है उस चीज़ या नहीं हैगी, उस एरिए डिमांड है या नहीं है, तो वो यानी कि अवेलेबिलिटी किन्नी हैगी है, वो वायबिलिटी किन्नी है, वह कंपीटिशन यानी कि उत्थे लागे छागे तुहाडे किन्ना हैगा। सो एक कुछ फैक्टर्स है जिहड़े कि मैं समझदा बहुत इंपोर्टेंट है। मैं समझदा मैं इस करके दोबारा सवाल किया, मेरे मन च एक सलूशन आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो थोड़ा शेयर कर दो। मैं सोचा कि भाई तुम जरूर कंपीटिशन करो बिजनेस में जिंदगी कामयाब होने लिए थानू यह सोचना पैंदा कि मैं ओम एको नंबर ज़्यादा लै गया ओन पैसे ज़्यादा बना ले वो बिजनेस चल गई, ये बहुत जरूरी है थानू प्रोग्रेस करने वास्ते। लेकिन काम तुसी कंपीटिशन करो कामयाब होने वास्ते, लेकिन किसी फेल होने वास्ते ना करो। बिल्कुल जो तुम किसी फेल करने वास्ते करते हैं फिर जो तुम ऑटोमैटिक बिफोर सक्सैस फेल हो जाने टारगेट ही थोड़ा चेंज हो गया। बिल्कुल हाँ। तो जो तुम खुशी नामे किसी की कामयाबी भी पसंद करते हैं, मैं अज तो कोई 50 साल पहला या 40 साल पहला इदा रवैया सी जे ट्रेड्समैन से वो पार्टियां करते आपस में वो जी आम डिस्कशन होंगी जोड़े बंदे फैक्ट्रिया काम करते उन्होंने उत्तर कोई काम नहीं होंगे, जोड़े बंदे बिजनेस करते उन्होंने काम होंगे करते भी डॉक्टर साहब तुम कामयाब कि हो। बिल्कुल मैनू ज मैं टैक्स इन्ना दिना जा मैं आ करदा मैनू वो जिथे मैं जाना चाहूँ उत्थे नहीं जा सकता तुम ये तो कि करते हैं ये भी एक बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो हम आप नेड़े जहाँ पहुँच गया कोई इंपोर्टेंट जो पॉइंट यही गल सी साडा दोनों भरावों का ये जो असं कोई मुद्दा लैके आने बारे पहले असं डिस्कशन करते हैं तो वो बारे असं सोचते हैं भी की गल करनी हैगी जी की मैसेज है ना वो यही साडा मैसेज देने का मतलब भाई जी ये भेड़ चाल हैगी जी बिना किसी गल तो सीरीज करनी जड़िया जैलसियां है घट्टो घट ये अपने बच्चों पर इंपोज ना करो उन्होंने जिंदगी उन्हें जीण दो किस्म का जिदा कहते किसी का कतल करना सिर्फ यही नहीं होंगे उन्होंने फिजिकली कतल कर देना तुम सिकोलॉजिकली भी कतल करते हैं वो बंदा सारी उम्र दुखी रहा यानी कि वह जोड़ा है जिदा कहते मन में बुरा भला तो बारे सोचूगा कोई चंकी गल सोचूगा। सो इस करके बहुत जरूरी है कि सानू रीस ना करने की बजाय इंडिविजुअलिटी को प्रफुल्लित करना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू थैंक यू। जो तुम किसी की मदद करनी है पहला तो ये फैसला करना बहुत जरूरी है कि तुम दिलों ये सोच के करो कि फलाना बंदा मेरी सलाह के नाल वो थोड़ा बहुत कामयाब हो सकता तो वो जी थोड़ी एडवाइस होगी जी थोड़ी सलाह होगी वह फायदेमंद होगी। बहुत जां कुछ लोगों में उन्होंने एक सोचनी इदा की होंगी है कि उन्होंने मन में एक भार जहा हों भी आ बंदा कामयाब होने लगा मैं इहदियां लत्तां खिंचणियां नैगेटिव सोच लैके वो सही काम नूं भी नुकता चीनी दे नज़रीए नाल देखणगे तां कि इहदा जिहड़ा कॉन्फिडेंस आ वह घटे। कोई बच्चा पढ़ता जिदा डॉक्टर साहब पहला गल की सी मैं बहुत सारे इदा के केस मेरी नज़र च हैगे आ बच्चों को कहना मैंने स्कूलों उठा लो ये नहीं पढ़ सकता तो बाद चो बच्चे कामयाब हुए जो नहीं हुए तो सोचते यार मैं तो पढ़ सकता सी
जो बाद उन्होंने जी सी एस ई से रिजल्ट देखे कहते पढ़ सकता सी, लेकिन जो मापियां जो ये सलाह देनी भी तो कुछ नहीं कर सकता, इन्हें कम से ला दो, उतों पैसे लियाऊगा, ये करूँगा, तो उस मापे भी कहते भी तुम काका तू पढ़ के की करना, तेरी भैन भी ब्याहनी, आप भी करना, घर भी लेना, इस करके तू छ अपनी जी सोच हैल्पफुल सोच अपनाइए तो वो अपने जोड़ा सा अंदर है वह भी हैल्थी होगा और दूजिया की वो हैल्प ही होगी। मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करदा तुम साढ़े प्रोग्राम सहलाते हो, फोन भी करते हो, तो मैं साढ़े टैक्नीशियनस विजय ओमी साहब जी का मैं पर्टिकुलर तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता, उन्हें बहुत हैल्प करते हैं। असं मिलेंगे थोड़ा अगले हफ्ते, अपना रखो ख्याल, जय भीम, नौ बुद्धा, जय गुरुदेव।